नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब इस समय अच्छे ही होंगे। और ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम लोग बिल्कुल रेडी हैं नहा धो करके मंदिर जाने के लिए। दर्शन कल हम लोगों ने नहीं किया, बहुत ज़्यादा रात हो गया था। टीना भी यहाँ, रेड ड्रेस कोड है कि साड़ी पहनेंगे, तो टीना ने भी साड़ी वियर की है, दोनों नहीं है हमने। अच्छी लग रही ना? ठीक पर में ठीक। हाँ देखे लगे था पूरे नीचे। और आनी भी, आनी अभी जाके ड्रेस लेके पहनने वाली है। हाँ मैं भी लूंगी, है ना? तो चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो चलते हैं हम लोग, नीचे उतर आई हूँ। और ड्रेस कोड के हिसाब से कुर्ता पजामा पहना इन्होंने, मैंने साड़ी वेयर की है। तो दर्शन के लिए हम लोग मॉन्ट, ये तो है, यही मिलता है। देखो पूछो, आनी का कहना है मुझे महाकाल वाला ड्रेस यहाँ पर मिल रहा है, वो पहनना है। तो बस वही अभी वो देखने वाली है। और चलते हैं दर्शन करने के लिए, कि हमारी अच्छे से यहाँ गाड़ी हमने यहीं पार्क की हुई है। सुबह में हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमने टिकट जो है वह बुक नहीं की थी। इसके लिए पहले से आपको टिकट बुकिंग करनी होती है, तो टिकट हमने यहाँ पर बुक नहीं करवाई है। तुरंत हम लोग आ गए तो उसकी टिकट मिलती भी नहीं है जल्दी से। छोटे बच्चों का देखिए, कैमरा में आके हाई कर रहा था। हाँ, रानी यहाँ से ड्रेस लेने वाली है। और ये सारे ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये वाले, ये सारे लड़कों के हैं, तो इसके लिए बताइए ना। बच्चों के लिए भी कुछ है क्या ड्रेस कोड? जैसे ये लोग, ये लोग कुछ भी पहन सकते हैं? ये खाली कुर्ता मिल जा रही है। अच्छा, तो दीजिए ना कुर्ता। नहीं खानती की नहीं, वो पीला वाला उस कलर में। अरे वो वाला पीला में, सुनो सुनो, हाँ ये ब्लैक में नहीं। रानी ने वियर भी कर लिया ना, देखो देखी देखी। जय महाकाल। गाड़ी हमारी यहीं पार्क है, तो हमको अभी पैदल ही जाना होगा। पास में ही है हम लोग मंदिर से, थोड़ी सी दूरी पे। चाहे तो आप लोग ऑटो पे भी जा सकते हैं। अनिक का ड्रेस देखो। हाँ नहीं दिखाऊँ, अनिक गुस्सा है अभी क्योंकि दीदी ने महाकाल वाला ड्रेस क्लियर कर लिया है, तो उसे भी करना है, बट उसके साइज़ का नहीं मिल पा रहा था, तो आगे जा कर के लेने वाले हम। पापा पापा, इनको भी मैंने कहा कि ले लीजिए महाकाल वाली ड्रेस, बट इन्होंने नहीं लिया। देखते, बहुत ही इच्छा थी महाकाल के दर्शन करने की, तो बस इस बार वो कंप्लीट होने वाली है। ये है कि भीड़ ना मिले ज़्यादा। ये है मंदिर मार्ग। कल हम लोग यहाँ बहुत रात तक मशक्कत करते रहे कि हमको रूम मिल जाए, कि रूम जो है वो हमको पसंद ही नहीं आए, बहुत ही बेकार थे। रूम तो ठीक था, बस टॉयलेट और बाथरूम जो है वो एकदम अच्छा नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़े दूर में जाकर क्यों ना हम रूम ले लें। अभी जिसमें है फिर भी वो भी उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक ही है, ठीक ठाक है। ज़्यादा अच्छा रूम लेना होगा तो हमको फिर यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा, लेकिन यही है मंदिर परिसर में क्या, सामने में अगर आप रूम ले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और आनी का लुक, जय महाकाल। ओ
कहाँ तक मैं शूटिंग ले पाती हूँ पता नहीं, देखते हैं अब आगे जाकर के। ये पूरा 10 रुपए का आएगा। दीदी देखो आंकड़ा चढ़ता है ना बाबा को 10 रुपए का। हाँ ले लो, अरे 10 रुपए का ही है। किने किने हमें तो अब नहीं देना। यहाँ पर इस तरह से आपको बाहर मंदिर के बाहर मिल जाएंगे आप शिव जी के, ये छोटे छोटे इस तरह से देख सकते हैं मंदिर, मूर्ति वगैरह है, शिवलिंग है। उसमें तो जल वल नहीं है, जल और यहाँ पर हम लोग रात में आए थे, गणेश जी बैठे हुए जस्ट मंदिर के ये पीछे में ही है। वो दिख रहा है आपको महाकाल मंदिर, वो रहा, यहाँ से हमको जाना होगा आगे। और यहाँ सब तरफ कुछ ना कुछ बिकता है, ये चौक है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले जा सकते हैं। वो रहा मंदिर, स्क्रीन बंद है। वही दिखे अनेक भीड़ अबे। কি করব আমরা, फ्री वाले में हमको बता रहे हैं कि जा सकते हैं आप लोग, तो बस चल के देखते हैं वहाँ पर हम लोग जा पाते हैं या नहीं, वरना हमको भी टिकट करानी होगी। चलते हैं, उसका इंतजार करेंगे फिर। स्क्रीन में कहा उन्होंने दुकान वालों ने कि देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ज़्यादा रश नहीं है तो आप जा सकते हैं ऐसे ही नॉर्मल दर्शन जो है, बट स्क्रीन तो बंद था तो हमको कुछ देखने को ही नहीं मिला है। वहाँ जाकर पता लगाते हैं। मंदिर परिसर को पूरा घुमावदार बनाया गया है,
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है ऐसा हो, पूरा हमको घूम करके आना पड़ा। तो यहाँ पर ये फूल वाले भैया वगैरह जो रहते हैं ना बाहर में, उन लोगों ने हमको जानकारी दी कि आप लोग अगर आपको अंदर जाके पूजा करना है गर्भगृह में तो आप यहाँ से 1500 की टिकट कटवा सकते हैं। बस सामने ही उसका काउंटर है, दिखा दिए गए हैं पता करने के लिए, अगर टिकट हो जाती तो बताऊँगी मैं आपको। और उसमें हमको ज़्यादा लाइन भी नहीं लगनी पड़ेगी, सीधे हमको अंदर ले जाया जाएगा पंडित जी से और बस पूजा हो जाएगी। तो आगे बता रही हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं इधर फूल वूल आप यहाँ लीजिए, यहाँ पर ही आप चप्पल वगैरह अपना रख दीजिए और फोन वगैरह अलाउ है अंदर में, बोल रहे हैं सब देखती वाली में। आ गए हैं हाथी महाराज, झूले झूले जा, पानी छूने वाली है, जा 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 झूले जा झूले झूले झूले। और रानी टच करने वाली है पर रानी को डर लग रहा है, वाह रे वाह, जा 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 कोरेने कोरेने दौड़िए जा दौड़िए जा अभी दौड़िए जा ना, अरे जा ना जा ना दौड़िए जा, तो बोलो मत जाना, जा जा जा, अरे सामने जाना। आनी को इतना डर लग रहा है कि क्या बताए, खाली लाल धर रहा नहीं ले जुटा ले ले जाना। जा रहे टिकट काटने, बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, बड़ी लूट मचा हुआ है। बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि आपको फुल टिकट लेनी होगी, तो 1500 में सिर्फ दो ही लोग जा सकते हैं, तो मैं आनी को कहाँ छोड़ के जाऊँगी, तो उसके लिए भी मुझे टिकट लेनी होगी। अब जा रहे ये लोग बात करने कि कितना कंसेशन करते हैं, कि क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ हम लोग छोड़ देंगे बट अंदर में रोक ही देंगे, नहीं जा पाएंगे आप। तो देखते हैं क्या होता है अभी आगे, क्या बोलता है हमारे अभी यहाँ पर ये बात करता है। हाँ चल बोल रहा है कुछ दिख रहा है, मैं हूँ बात कर रहा हूँ, बोल कर रहा है, बोल आनी बोल दे आनी आनी सृष्टि चलो चलो इधर के चल चढ़ दे चढ़ दे, अरे छेड़े दे ना चल। हाँ सब देंगे रसीद, रसीद तो टिकट ये ले आए हैं, बस अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। आनी प्रसाद इसने रखा है, तो चले हम लोग अंदर आ गए। आ जाओ आ जाओ भगवान। ये चेंजिंग रूम यहाँ
और यहाँ बच्चों के साथ भी देखिए क्या हरकत है, बोल रहे हैं कि साड़ी पहनना है। आनी को मैंने साड़ी पहना दिया, वियर कराया, कैसे अब अंदर जाएगी कैसे, देखिए। और इतने छोटे से बच्चे कैसे ले जाए, वो है पापा जी आ गए। देखिए देखिए उधर चलो, पीछे ना आओ, पीछे दीजिएगा। और ये लोग हैं अभी धोती कुर्ता में, और आनी आनी को पहनाया गया है साड़ी। आनी फोटो ले लेती है, और जॉस भी प्रांगण में। इधर इन लोगों का ड्रेसअप हुआ है, आनी का भी और पापा का भी, साथ में ले लिया प्रसाद। मैं पहले से ही, मैंने इसलिए साड़ी वियर कर ली थी, यहाँ पर साड़ी में ही अंदर जाने दिया जाता है, पर बच्चों का नहीं पता था कि बच्चे इस तरह करते होंगे। तो चलते देखते कहाँ तक शूटिंग ले पाते हो, उसके बाद में रखूँगी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय। तो यहाँ हम सब अंदर जा रहे हैं, और टिकट की बात मैंने आपकी पूरी बताई नहीं। 1500 की हम दो लोगों की टिकट थी, और आने के लिए भी हमको 750 की एक टिकट काटनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बच्चा अंदर नहीं जा सकता है, पहले हमको बाहर सभी ने बताया कि बच्चे का टिकट शायद नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं लगेगा, तो आपको बाहर किसी के भी बात सुनना नहीं है, क्योंकि उसी चक्कर में हम लोगों को लेट भी हो गया। और आगे आप देखने वाले हैं कि क्या हाल हुई है हमारी दोपहर में। अगर आप लोगों को दर्शन करना है तो ज़रूर सुबह टाइम जाइए या शाम को जाइए। तो चलिए देख लीजिए आगे इसके बाद हमारा क्या हाल होता है गर्मी से। जय महाकाल, जय महाकाल। जल चढ़ा के हम लोग निकल गए बाहर, अंदर में नहीं अलाउ है। आनी आनी का मन खराब है, साड़ी पहना दिए बोल के। तो ये है महाकाल मंदिर का अंदर एरिया। अंदर मेरे को लेने नहीं दिया गया, मना किए हैं कि आप वीडियो मत बनाइए, तो बस यहीं पर मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। बाकी सामने में निकलूँगी तो दिखाऊँगी ज़रूर। वो है गर्भगृह जाने का रास्ता सामने आप लोग, और गर्भगृह के बाहर देख सकते हैं ये श्री सूर्यमुखी हनुमान मंदिर है छोटा सा, और पूरे मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। इधर से हमने जाकर देखा बाहर तरफ, छोटा सा एक तालाब था और उसमें फव्वारा बना हुआ था, तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, और छोटे छोटे शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किए हुए थे चारों तरफ। और गर्भगृह में मैंने शूटिंग करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ फ़ोन अपना रख दीजिए या कैमरा जो है वो रख दीजिए, अंदर अलाउ नहीं किया जाता है शूटिंग, तो मैं नहीं ले पाई गर्भगृह में। जब हम जा रहे थे घंटी जो बज रही थी वो अंदर बस वहाँ तक ही मैं ले पाई हूँ, और बाकी सब मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। और इस समय आनी का मूड आपको लगेगा, मुझे लग रहा था कि आनी का मूड ख़राब है, बट ये बाद में पता चलेगा कि वो चुप क्यों है। और यहाँ इस तरह से छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ पर भगवान हैं, और ये उस पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, पानी का पूरा फव्वारा चल रहा है सब तरफ। ये अंदर परिसर में है, बहुत अच्छे से हमने पूजा किया, पर फोटो वगैरह लेने नहीं दिया हमको, मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती थी कहीं फोन वगैरह जब्त ना। वैसे कई लोग रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, बट अगर मान लीजिए आपको आपके हाथ से अगर कैमरा या फ़ोन वगैरह ले लिया जाए तो कितना ख़राब लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और मंदिर में जाने के बाद लगता है कि बस पूजा ही कर लो, भगवान शिव जी को देख करके ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रह जाए, अच्छे से छू करके हमने पूजा किया,
और बस बाहर निकल आए। ज़्यादा देर वहाँ बैठने का भी नहीं था, मतलब कोई मतलब नहीं वहाँ रुक कर भी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। इसके बाद हम चारों तरफ यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जो मंदिर बने हुए थे वहाँ हम घूमने लगे। ये पूरा मंदिर का परिसर है। जल्दी ले। आनी का मूड ऑफ है क्योंकि उसके ड्रेस खुलवा दिए गए और उसे साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। तो इधर ही रहो, इधर ही रहो। तो अब यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं मंदिर में। यहाँ शूटिंग करते हुए मैं निकल रही थी तो कुछ लड़कों ने मुझे पूछा कि आप व्लॉग बना रहे हैं क्या, तो बस उन्हीं को मुड़कर मैं अपने चैनल का नाम बता रही थी। मैंने कहा हाँ। और ये हम आए थे मंदिर में तकरीबन 11 बजे और दर्शन वगैरह करते करते हमको 12:30 बज गया था। तो इतने धूप में आना नहीं चाहिए, लोगों की बातें सुन करके हमने ये टाइम चुना था, बट ये बहुत गलत टाइम था। मैंने आपको कहा ना कि हम दोपहर में आए थे और आनी को इस तरह से ड्रेसअप करवा दिया गया, तो आनी को चक्कर आ गया था और ये उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है मंदिर प्रांगण में ही। आनी को लग रहा है सेलाइन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मंदिर परिसर के अंदर ही है, बस यहाँ पीछे ही भगवान का मंदिर है श्री महाकालेश्वर का, तो मैं यहीं हूँ अभी उसको लेकर। उसके पापा गए उसका ड्रेस वगैरह लेने के लिए वापस, वो आ जाए तो। आनी को सेलाइन लगने के बाद फिर से हम लोग आए हैं इधर, यहीं से हमको बाहर जाना है। उसको ड्रेस भी मैंने चेंज करवा दिया, वो साड़ी वहाँ जमा करना है अभी। वो रहा मेन मंदिर। आनी कैसा लग रहा अभी? देख दिखे, देख देख। हाँ तो आनी को बोतल चढ़वा लेने के बाद हम बाहर आ गए और फिर हम सीधे चले गए वहाँ से रेस्टोरेंट। वहाँ पर आनी को खाना खिलाया, हमने भी खाया और मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड को मैंने कह दिया था पहले कि तुम रूम में चली जाओ, थोड़ी देर रेस्ट ले लो क्योंकि हमको शाम को भी बाहर घूमना था। तो बाकी का मैं जो भी कहीं जाते हैं तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली को।